और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कम्युनिकेशन सिस्टम के ऊपर। यह कम्युनिकेशन सिस्टम का संचार तंत्र का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सीरीज का पार्ट टू वीडियो है। पार्ट वन में हम लोग पांच ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखे थे, पांच इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखे थे, और आज के इस वीडियो में भी हम पांच VBI इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, गेस क्वेश्चन देखेंगे, जो कि मोस्ट प्रोबेबल चांस होगा कि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डायरेक्ट विद डेटा आपके बिहार बोर्ड के फिजिक्स के 2023 एग्जाम में पूछा जा सके। देखिए, इसमें से कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं, मतलब मैक्सिमम क्वेश्चन ऐसे हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा हुआ है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कहने का मतलब कि बिहार बोर्ड जो पहले एग्जाम लेता है, क्वेश्चन बैंक में जो क्वेश्चन होता है वही क्वेश्चन सब है, ठीक है, मैक्सिमम क्वेश्चन उसी तरीके से। और हम सारे का कॉन्सेप्ट ऑलरेडी हम पढ़ा चुके हैं, टोटल पार्ट 10 बना है, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में हमने पढ़ाया है। आप जा करके यूट्यूब के वीडियोस में जाके देखिए, मेरे चैनल के वीडियोस में आपको मिल जाएगा, और वहां से आप जाके टॉपिक को रिवाइज कर सकते हैं। अभी देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सीरीज। क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है कि संचार उपग्रह का आवर्त काल होता है। तो संचार उपग्रह का जो आवर्त काल होता है ना बाबू, वो 24 घंटा होता है। कितना होता है? 24 घंटा होता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, संचार उपग्रह का आवर्त काल 24 घंटा होता है, ठीक है। अब हम समझते हैं कि मॉड्यूलन कितने प्रकार का होता है। सेकेंड क्वेश्चन क्या बाबू, एकदम गौर से ध्यान लगा के सुनिए कि मॉड्यूलन कितने प्रकार का होता है। तो मॉड्यूलन बेसिकली तीन प्रकार का होता है। मॉड्यूलन कितना प्रकार का होता है? तीन प्रकार का होता है। अब हम ये नहीं बताने वाले कि कौन कौन सा है, उसका नाम क्या है, उसका क्या, ये हम सारा कॉन्सेप्ट हम ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं पार्ट 1 से 10 के बीच के वीडियोज में है, ठीक है। मॉड्यूलेशन पढ़ाया है हमने, डी मॉड्यूलेशन पढ़ाया है हमने, आपको फैक्स पढ़ाया है, मॉडर्न पढ़ाया है, सैटेलाइट पढ़ाया है, बहुत सारा चीज हमने, जितना भी सर लेजर पढ़ाया है, लेजर रे कैसे होता है, लेजर का फुल फॉर्म क्या होता है, ये सब चीज हमने आपको कॉन्सेप्ट में बताया हुआ, पूरा डिटेल्स कॉन्सेप्ट हमने बताया हुआ है कम्युनिकेशन सिस्टम का, और टोटल उसका पार्ट 10 बना है बाबू। तो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, बहुत अच्छे तरीके से हमने पढ़ा रखा है। तो अभी हम समझेंगे कि मॉडलिंग कितने प्रकार के, तीन प्रकार का, आपको क्या करना है, वो तीन प्रकार का नाम बताना है, कहां बताइएगा, तो इस वीडियो के कॉमेंट बॉक्स में जाकर के आप टाइप करेंगे कि मॉडलेशन का तीन प्रकार का नाम क्या है, कौन कौन वो है जो इसके अंतर्गत आते हैं। अब समझते हैं टीवी प्रसारण के लिए, नेक्स्ट सवाल क्या है, टीवी प्रसारण के लिए जिस आवृत्ति परास का उपयोग होता है वह है, तो वह कितना है, 30 से 300 मेगाहर्ट्ज होता है। देखिए बाबू, ये VBI क्वेश्चन है, और ये बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है बिहार बोर्ड में। आप इस क्वेश्चन को एकदम दिमाग में गांठ बांध के रख लीजिए कि ये क्वेश्चन आने वाला है। हो सकता है कि 99.11111 इतना परसेंट चांस है कि ये क्वेश्चन आए, समझ गए। तो ये क्वेश्चन याद रखिएगा, क्या है, टीवी प्रसारण के लिए जिस आवृत्ति परास का उपयोग होता है वह कितना है, 30 से 300 मेगाहर्ट्ज, ठीक है, आपको ये याद रहेगा। क्या बाबू, 30 से 300 मेगाहर्ट्ज, यहाँ पे देखिए आप क्वेश्चन में ऑप्शन कैसे चेंज करता है, तो ये डेटा सेम रखता है, 30 से 300 सेम रखेगा, हर्ट्ज भी सेम रखता है, खाली क्या चेंज करता है, मेगा डाल देगा, मेगा के जगह पे कुछ और डाल देगा, माइक्रो, नैनो, फेटो, ऑटो, जीगा, टेरा, ये सब डाल देगा, लेकिन हमें क्या याद रखना है कि मेगा होता है, एम एच जेड होता है, हम ऐसे याद रखें 300 से 300 MHz यानी मेगाहर्ट्ज, ठीक है। अब हम समझते हैं नेक्स्ट सवाल क्या, प्रकाशिकी तंतु का सिद्धांत है। तो सबसे पहले बात करेंगे कि प्रकाशिकी तंतु को हमने सबसे पहले कहां पढ़ा था, तो किरण प्रकाशिकी आप पढ़ रहे थे, किरण प्रकाशिकी इंग्लिश में कहते हैं रे ऑप्टिक्स, ऑप्टिक्स का है, और जब हम आपको पढ़ा रहे थे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जिसे हम लोग कहते हैं TIR, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, उसी टाइम में पूर्ण आंतरिक परावर्तन के जो एग्जाम्पल होते हैं उसी में हमने बताया था कि ऑप्टिकल फाइबर है जो इसका एक एग्जाम्पल है, किसका, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का। तो ऑप्टिकल फाइबर को हम लोग हिंदी में कहते हैं प्रकाशिकी तंतु, क्या कहते हैं ऑप्टिकल फाइबर को हिंदी में, प्रकाशिकी तंतु। तो अब समझिए प्रकाशिकी तंतु का सिद्धांत क्या, तो बाबू हम जब जानते हैं कि TIR का एग्जांपल ये प्रकाशिकी तंतु, तो किस प्रिंसिपल पे बेस्ड होगा, बोलो यार, हाँ ना बोलो यार, क्या होगा, बताओ क्या होगा, TIR के प्रिंसिपल पे बेस्ड होगा, एग्जैक्टली किस पे बेस्ड होगा, TIR के प्रिंसिपल बेस्ड होगा, और क्या कहेंगे हिंदी में, क्या कहते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अब एक लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन क्या है, UHF। अच्छा बाबू, UHF से हमें क्या समझ में आता है, देखिए बिहार बोर्ड ना मैक्सिमम चीज फुल फॉर्म के टर्म में भी पूछ लेता है, और UHF का फुल फॉर्म ऑलरेडी एक स्टूडेंट है मेरा,
वो बताया हुआ है कि UH का UHF का फुल फॉर्म क्या होता है। जिस वीडियोस में हमने UHF के बारे में बताया था उसी वीडियोस के कमेंट सेक्शन में ज्योति कुमारी या शायद सुरभि कुमारी ने इसको मैसेज किया है, मतलब कमेंट किया है इसको। और आप सभी छात्र प्रॉपर मेरे वीडियोस को देखते हैं और समझते हैं, इसके लिए बहुत बहुत थैंकफुल है हम आप लोगों के। और इसी तरीके से मेरे चैनल पे प्यार बनाए रखें, और जो भी आपको डाउट होता है आप चैनल के कमेंट बॉक्स में पुट कर सकते हैं, हम उसका प्रॉपर इंस्टेंट जवाब देंगे। और सबसे बड़ी बात, अगर आप मुझे मोटिवेट करना चाहते हैं तो थोड़ा बहुत आप कमेंट भी कर सकते हैं, जो आपको डाउट हो हम आपको उसको प्रॉपरली आंसर करते रहेंगे। ठीक है, अभी हम समझते हैं कि क्वेश्चन क्या है हमारा। क्वेश्चन हमारा, UHF परिसीमा की आवृत्तियां सामान्यता संचारित होती है। क्या होती है? UHF परिसीमा की आवृत्तियां सामान्यता संचारित होती है कैसे? तो अंतरिक्ष द्वारा। किसके द्वारा? अंतरिक्ष द्वारा। किसके द्वारा? अंतरिक्ष द्वारा। अभी आप बताएंगे कि UHF का फुल फॉर्म क्या होता है, कमेंट बताएं, हम बता दें। अच्छा, हमें लग रहा है कि आप हमी से जानना चाह रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे तो उस वीडियोस के नीचे तो किए नहीं थे कमेंट, तो हमें कैसे पता चलेगा कि उसको आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलिए अभी बताते हैं, UHF का फुल फॉर्म होता है अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी। क्या होता है बाबू? अल्ट्रा, यू से यू फॉर अल्ट्रा, एच फॉर हाई, एफ फॉर फ्रीक्वेंसी। क्या हो गया? अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी। चलिए आज के इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, बाकी फिर मिलेंगे न्यू वीडियो में, नए वीडियो में। और वो होगा कम्युनिकेशन सिस्टम का पार्ट थर्ड, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का सीरीज होगा। ठीक है, और इस वीडियो के बाद हम समझिए तो एक और चैप्टर में स्टार्ट कर रहे हैं। वो चैप्टर का नाम है क्या हो सकता है, आप लोग गेस कीजिए। हमने अभी कम्युनिकेशन सिस्टम पढ़ाया था, और आज से अभी से कुछ दिन पहले हमने बताया था कि कम्युनिकेशन सिस्टम के बाद कौन सा चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। याद है आपको? शायद आपको याद नहीं होगा, हम ही याद दिला देते हैं कौन सा चैप्टर था। तो चैप्टर था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। हमने आपको पहले ही बता रखा है कि ऑनलाइन ऑफलाइन करके हमें आपका सिलेबस खत्म करना है। ठीक है, तो हम लोग सिलेबस को खत्म करेंगे। अभी ऑनलाइन हम लोग पढ़ेंगे EMW, जिसका फुल फॉर्म है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। क्या है बाबू? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये बहुत अच्छा चैप्टर है, और यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं, और सिंपल सिंपल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। आप देख रहे हैं इस क्वेश्चन में दम है थोड़ा सा भी, बस थ्योरेटिकल क्वेश्चन है यार। उसी तरीके से EMW में भी है, बट एक दो न्यूमेरिकल हो सकता है, कुछ फॉर्मुला बेस्ड। हम लोग सारे चीजों को देखेंगे, और आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि आप सारे वीडियो को एकदम शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए, तभी आपको पूरा पूरा समझ में आएगा। तो इस वीडियो के बाद पहले इसको अपलोड करेंगे, फिर इस वीडियो के बाद हम लोग स्टार्ट कर रहे होंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, और बहुत प्यारा सा चैप्टर है, इसको हम शुरू से लेके अंत तक पढ़ेंगे, और एक एक चीज पढ़ेंगे, पूरा फुल्ली डिटेल होगा हमारा वो कॉन्सेप्ट, और आप उसको सही तरीके से नोट करते चलेंगे। ठीक है, इस बार आपको बिहार बोर्ड के एग्जाम में बहुत अच्छा मार्क्स लाना है। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे। अभी के लिए बाय बाय, टिल देन कीप लर्निंग एंड एक्सप्लोरिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।